नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बुढ़नपुर तहसील की कोयलेसा स्थित सपा कार्यालय से आज सुबह जन आक्रोश पद यात्रा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली को हरी झंडी सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री बलराम यादव ने दिखाई। रैली कोयलेसा होते हुए बुढ़नपुर रानीपुर में जनसभा में तब्दील हुई। रैली का नेतृत्व सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री बलराम यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सपा के नेताओं ने जन आक्रोश पद यात्रा रैली निकालकर जनता को जागरूक करने का काम किया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में पदयात्रा रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई पर हल्ला बोलकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की लोगों से अपील की। सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री बलराम यादव ने देश व प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और सपा की सरकार बनाकर थी भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेगा। जन सैलाब को देख करके बड़ा गदगद हो रहे हैं हम लोग। अब आप क्या कहना चाहते हैं जन सैलाब के बारे में और जो जिस भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आज हर वर्ग उब चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्रों में पीछे ढकेलने का काम किया है। चारों तरफ लूट मची है। आज नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही चरम पर है, महंगाई का ये आलम है कि लोग आज किस तरह से दो जून रोटी का इंतजाम कर पा रहे हैं वो आप भलीभांति जान रहे हैं। तो आज चारों तरफ समाज में चारों तरफ घोर निराशा का वातावरण है। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव का। माननीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। हर क्षेत्रों में जहां उन्होंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, वहीं बहनों को कन्या विद्या धन दे करके आगे बढ़ाया, लैपटॉप दे करके उनके सुनहरे भविष्य को संवारने का काम किया। जो किसान खेतों में काम करते दुर्घटना का शिकार हो जाता था, ऐसे किसानों के 5 लाख रुपया किसान दुर्घटना का दिया, फिर इलाज मुक्त करने का काम किया, फिर कैंसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर अस्पताल बनाया, आजमगढ़ में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, तो सठियाओं में चीनी मिल बनाया, हमारे क्षेत्र में समदी में डिग्री कॉलेज बनाया, कलहोरा पे पुल बनाया, मकराहा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, अतरौलिया में अस्पताल बनाया। तो आप चारों तरफ देखते होंगे सड़कों का जाल बिछाया गया, बिजली के नए नए बिजली के कारखाने बनाए जिसके कारण आज किसान को बिजली मिल पा रही है। और वहीं पर आज आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के समय में आज किसान पैसा देने के बावजूद लाइन में लगा हुआ है और उसे खाद नहीं मिल पा रही। खाद के लिए दिन भर वो दुकानों का चक्कर काट रहा। अस कहते हैं कि दमदार सरकार है, अगर दमदार होती तो ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम कैसे तोड़ देते। दवाइयों रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए, इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो ये अब ज़बरदस्ती बतियाते हैं, कुछ मीडिया समूह को मिला करके जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। वो पूंजीपति मीडिया हो आप लोग नहीं है, वो पूंजीपति मीडिया है। आप देखे होंगे छापा पड़ा था कानपुर के व्यापारी के यहाँ, तो उसका रिश्ता जोड़ रही थी सपा से, और जैसे ही सपा के अध्यक्ष ने प्रेस किया उसका दूसरे दिन से सब कुछ खत्म हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं, जालिम है, बर्बर हैं, लुटेरे हैं।